तो क्या कहना चाहते हैं आप, टेलीस्कोपिक बेटर था? दैट वाज बेटर। अब नहीं था तो उससे पहले लकड़ी का था जी, लकड़ी वाले में तो उसमें पूरी फिक्सिंग आती थी जी, लेकिन उसको हो गए 20 साल जी। अब 20 साल बाद वो ना तो वो ग्रेडिंग वाले हैं आज, ना वो पैकिंग वाले हैं। पैकिंग वाले हैं तो इसको तो घोड़ने में मेरे ख्याल से कम 2-3 साल तो लगेंगे जी। तो भगवान भाइयों, किसान न्यूज पर आप सभी का स्वागत रहेगा। आज 23 जुलाई है और मंगलवार का दिन, तो सोलन से मंडी के ऑक्शन प्लेटफॉर्म पर हम आ चुके हैं। तो देखते हैं बाजार आज के क्या कुछ रहते हैं, सेब और पियर को लेकर, और इसके अलावा और भी अगर वैरायटी कोई रहती है तो उसका भी अपडेट आपको हम साझा करते हैं। राजपति भाई तो सेब ज़्यादा कुछ अच्छी वैरायटी देखने को नहीं मिल रही है, हालांकि अच्छी वैरायटी आए तो बहुत अच्छे दाम हैं, लेकिन हल्के माल काफ़ी आ रहे हैं। खासकर पियर की बात करें, रेड पियर बहुत हल्के में बिक रही है, और सेब भी अभी इतनी ज़्यादा कुछ वैरायटी नहीं देखने को मिल रही, हालांकि अब धीरे धीरे जो है वो आप देख रहे हैं फड़ों पर सेब आना शुरू हो चुका है। अब इक्का दुक्का सेब फड़ों पर सेब जो है वो नहीं रह गया है, अब कई फड़े जो है वो धीरे धीरे हल्की हल्की आवकें जो है वो आनी शुरू हो चुकी है। तो चलिए साथियों, हमारे साथ एक किसान भाई भी जुड़ चुके हैं, जानते हैं इनसे, इनको कुछ दिक्कत जो है वो यूनिवर्सल बॉक्सेस को लेकर आई है, और जैसा कि आप देख रहे हैं अंडर पैकिंग है। अगर इनका कहना है कि इससे ऊपर का अगर एक और लेयर डालते हैं इसमें तो दिक्कत ये है कि वो ओवर पैकिंग हो जाती है, तो अंडर पैकिंग रखे तो बॉक्स ख़राब, ओवर पैकिंग रखे तो इनका सेब ख़राब। तो इनसे ही जानते हैं इनके जुबानी इनको क्या दिक्कतें आ रही है, और इनका सेब आज सोलन मंडी में जो है किस भाव बिका है। जी सर, आपका शुभ नाम? प्रमोद मलिक। प्रमोद मलिक जी, आप कहाँ से हैं? कांगड़ा से। पांगना। अच्छा, वो करसोग से। ठीक है जी, आज ये रॉयल सेब लेकर आए थे आप? इस पर लाए थे आज जी। इसमें एक तो ग्रेडिंग में प्रॉब्लम आ रही है सबसे बड़ी जी, फिर पैकिंग में प्रॉब्लम आती है। अब अगर इसमें आप देख ही रहे हैं, ये अगर इसमें एक लेयर डालते हैं तो ये अबाउ जाएगा, फिर वो ऊपरली लेयर वैसे खत्म हो जाएगी जी, तो सारी प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं अभी फिलहाल तो। एंड इसको सही करने में इट विल टेक अ टाइम। व्यापारी भी कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है इस चीज को लेके? जिस तरह से ऑब्वियसली करेगा, वो कहेगा कि यहाँ पे पूरा करो इसको, वो अंडर रेट देगा जी, ऑब्वियसली देगा, कोई भी होगा जी। तो क्या कहना चाहते हैं आप, टेलीस्कोपिक बेटर था? दैट वाज बेटर। अब नहीं था तो उससे पहले लकड़ी का था जी, लकड़ी वाले में तो उसमें पूरी फिक्सिंग आती थी जी, लेकिन उसको हो गए 20 साल जी। अब 20 साल बाद वो ना तो वो ग्रेडिंग वाले हैं आज, ना वो पैकिंग वाले हैं। पैकिंग वाले हैं तो इसको तो घोड़ने में मेरे ख्याल से कम 2-3 साल तो लगेंगे जी। इस बार साइज का भी इशू है थोड़ा, साइज का तो खैर पानी की वजह से तो नेचुरल है जी, बारिश है नहीं हुई टाइम से। चलिए, तो सरकार से आप क्या डिमांड करना चाहते हैं? फिलहाल तो सरकार ने जो है वो तो कंपलसरी कर दिया है, दिक्कत आएगी वैसे इसमें बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर पूरी पैकिंग आने लग जाए इसमें जी, दिक्कत भी नहीं है बाद में, क्योंकि एप्पल तो सेफ है जी। मतलब थोड़ा सा अभी किसान को भी थोड़ा समझने में दिक्कत है कि किस तरह से इसमें पैकिंग ग्रेडिंग करनी है जी। चलिए, मतलब बॉक्स किसी भी तरह का हो कामयाब हो जाएगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा समझने में। चलिए, थैंक यू। सेब वैसे ये क्या भाव बिका है? ये किलो के हिसाब से देखते तो 75 पर केजी पड़ा है जी, और बॉक्स का देखते तो 1500 पर बॉक्स। 1500 पर बॉक्स। चलिए, थैंक यू जी। अखिल भाई, आज 47 नंबर शॉप पर क्या क्या वैरायटीज पहुंची थी और क्या भाव चले हैं? वही है, टाइडमैन जो है वो बिक रहा है 1100 से 1300-1400, बाकी पियर्स है वो बिक रही है वही 900 से 1200-1300 जी, मोटी टंडी। और बाकी जो गालाज है वो हाफ केस बिक रहे हैं 1500 से 1800-1900-2000। क्वालिटी कैसी आ रही है अभी? सुपर क्वालिटी तो नहीं देखने को मिल रही? क्वालिटी बहुत ज़्यादा नहीं है जी, थोड़ी आ रही है जी। ये एवरेज माल ही रहे हैं जो आए हैं? हाँ जी। चलिए, लहसुन को लेकर भी थोड़ा सा अपडेट कर लीजिए, लहसुन बीज का लहसुन क्योंकि आप रखते ही हैं। बीज तो का लहसुन जो है वो 140 से 170 रुपए किलो चल रहा है जी। और ये जम्मू वाला है जी? हाँ जी, श्रीनगर वाला है, और अलग अलग ग्रेड में है जैसा जिसको जी चलता है वो जी, उसी हिसाब से प्राइस बार रखा है। और यदि किसी के पास पड़े हैं लहसुन तो क्या प्राइस है? हिमाचल का लहसुन सर 200-220 टॉप जी, टॉप माल जो है जी। मोबाइल नंबर आपका? मोबाइल नंबर है 7687-00-0047, शेड नंबर 103 DPC। चलिए, थैंक यू।